गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कृत में पाठ 7 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है शरदोत्सव। तो शुरू करते हैं। अस्माकं देशः प्रकृति पूजकः अस्ति। सूर्यं चंद्र वृक्षादीन् च देवरूपेण स्वीकृत्य एतेषां पूजनस्य परंपरा अस्माकं देशे अस्ति। संपूर्णे अपि संस्कृत साहित्ये एतादृशं वर्णनम् अवलोकयितुं शक्यते। कवयः प्रकृतिवर्णनं तत्रापि चंद्रस्य वर्णनम् अवश्यमेव कुर्वन्ति। हिंदी में अनुवाद। हमारा देश प्रकृति का पुजारी है। सूर्य चंद्रमा और वृक्ष आदि को देवों के रूप में स्वीकार करके इनके पूजन की परंपरा हमारे देश में है। सारे संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन देखा जा सकता है। कभी लोग प्रकृति का वर्णन और वहाँ भी चंद्रमा का वर्णन अवश्य ही करते हैं। सेकंड पैरा। शरद पूर्णिमाया रात्रौ अस्माकं देशे उत्सवः आर्च्यते। अस्याम रात्रौ चंद्रः स्वपूर्ण कला भी स उदयति। जनाः रात्रिकाले पायसं पक्त्वा चंद्रकिरण संपर्के स्थापयन्ति। पश्चात् सर्वे कुटुंबिनः मिलित्वा खादन्ति। लोक मान्यता वर्तते यत् अस्याम रात्रौ चंद्रणे स्वाकिरणे अमृतम् किमपि विशिष्टम् वा प्रसाद्यते। हिंदी में अनुवाद। शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमारे देश में उत्सव मनाया जाता है। इस रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। लोग रात के समय खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों के संपर्क में रखते हैं। बाद में सभी परिवार के लोग मिलकर खाते हैं। लोक मान्यता है कि इस रात्रि में चंद्रमा द्वारा अपनी किरणों से अमृत जैसा कुछ अथवा विशिष्ट पदार्थ प्रसारित किया जाता है। लास्ट पैरा है। चंद्र प्रेमणः आधारः वर्तते तस्मिन् शैत्य पावन त्वं सौंदर्यम् इत्याद्यः अनेके गुणाः सन्ति। अतः सहृदया बलात् आकृष्टा भवन्ति। सोत्साहं प्रम्या च इमं उत्सवं प्रतिवर्षं जना आचरन्ति। अयम् उत्सव सर्वे सह प्रेम्णा व्यहर्तव्य इति संदेशं प्रददाति। हिंदी में अनुवाद। चंद्रमा प्रेम का आधार है। उसमें शीतलता पवित्रता सुंदरता इत्यादि अनेक गुण हैं। इसलिए लोग हृदय से बलात् उसकी ओर आकृष्ट होते हैं उत्साहपूर्वक और प्रेम के साथ। इस उत्सव को लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह उत्सव सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ऐसा संदेश प्रदान करता है। तो बच्चों, यह पाठ 7 का हिंदी में अनुवाद हो गया। इसमें आप लोग शब्द दर्ज कर लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज क्या करना है वो हम आप लोग को बाद में बताएंगे। धन्यवाद।